एवरग्रीन प्रोडक्ट, बहुत ही पुराना प्रोडक्ट है मोदी केयर का। इस प्रोडक्ट ने मोदी केयर का बहुत ही मतलब पुराने दिनों से ये साथ दे रहा है मोदी केयर का। बहुत से लोगों का फेवरेट है, आप जान अगर देख के पहचान सकते हैं, अगर यूज करते हैं तो आपको पता होगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये फेयरनेस जेल है मोदी केयर का, और इसका बेहतरीन रिजल्ट्स होता है दोस्तों। इसके अंदर ऐसे दो चीज मिलाए गए हैं, ऐसा एक कॉम्बिनेशन ही है ये चीज, शायद ही मार्केट में ये प्रोडक्ट आपको मिल पाए। इसके बहुत सारे फायदा होते हैं, तो वही सारे चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि इसके क्या क्या खासियत है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, बेनिफिट हमको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, सारे चीज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं मोदी केयर नियर यू, मैं हूं अंशु, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बेसिकली ये है एक फेयरनेस जेल, फ्रूट ऑफ द अर्थ रेंज का मोदी केयर का ये प्रोडक्ट है, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर का जो मेन टू इंग्रेडिएंट्स है वो आपको यहाँ पर नजर भी आ रहा होगा, जैसे यहाँ पर एलोवेरा है और इसके अंदर लिकोरेस बोल के एक चीज मिलाया गया है। तो पहले बात करते हैं दोस्तों एलोवेरा के बारे में। एलोवेरा कितना खास चीज है दोस्तों, कितने पुराने जमाने से लोग एलोवेरा को यूज करते हैं। एलोवेरा के बारे में मैं जितना बताऊं उतना कम होगा, लेकिन ये इसमें जो एलोवेरा मिलाया गया है उसके चार पांच ऐसे मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या फायदा होता है अगर आप इसको यूज करते हो। पहले तो दोस्तों आपके चेहरे पर अगर कहीं पर सनबर्न है या फिर बन रहा है धीरे धीरे, अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो ये सनबर्न से आपको बचाएगा भी, अगर हुआ भी है तो उसको धीरे धीरे ये ठीक कर देगा, उस जगह को ठीक कर देगा। उसका जो मतलब शेड अलग हो जाता है ना, जब हम मान लीजिए कहीं पर आपका सनबर्न हो गया तो वो उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है फेस का, मतलब दोनों उसके आसपास के एरिया और वो एरिया का कलर चेंज हो जाता है, शेड आपस में मिलते नहीं है। तो इसको रेगुलर यूज करते हैं तो वो आपका ठीक हो जाएगा और आपका इवन टोन दिखेगा आपके चेहरे के ऊपर। फिर बताता हूँ कि यूवी रेज, जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होता है, उससे आपको ये रक्षा करता है, उसकी मतलब स्किन को बचाता है आपके यूवी रेज से। फिर बताता हूँ कि एलोवेरा के अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता है, और कभी भी आप बाहर निकलो घर से या फिर कोई भी इम्प्यूरिटी जब आपके चेहरे के ऊपर हावी होता है यानी कि अटैक करता है, तो वो पहले एक फ्री रेडिकल क्रिएट करता है आपके चेहरे के ऊपर या फिर आपके स्किन के ऊपर, जो कि आपकी स्किन को डैमेज करता है। लेकिन अगर एलोवेरा वहां पर मौजूद है तो वो एंटीऑक्सीडेंट के सहायता से फ्री रेडिकल के साथ फाइट करता है और आपके चेहरे को एक अलग सा तेज देता है, और कोई भी इम्प्यूरिटी टॉक्सिक वगैरह को आपके चेहरे के ऊपर कोई भी इफेक्ट डालने नहीं देता है, ठीक है। तो ये एक मतलब सील्ड गार्ड की तरह आपके चेहरे के ऊपर काम करता है। नंबर थ्री, ये मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट इसके अंदर है। ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि इसको अगर आप लगा दिए तो इतना मॉइस्चराइजिंग, इतना हाइड्रेटिंग लगेगा आपको कि चिपचिपा लगेगा। सबसे बेहतरीन चीज तो ये लगता है कि इस जेल को अपने चेहरे पर अप्लाई किया, 5 से 7 मिनट के अंदर आपको पता ही नहीं चलेगा कि कुछ आपने अप्लाई किया है। मतलब ये इतना नेचुरली ब्लेंड हो जाता है, इतना नेचुरली ये मतलब अपना एक परत हो जाता है चेहरे के ऊपर, जो मैं खुद का व्यू बता रहा हूँ कि आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे अलग कोई क्रीम वगैरह लगाते, कोई मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो ऐसा लगता है चिपचिपाहट, इसमें ऐसा नहीं है, और रिजल्ट आपको 100% मिलेगा, ठीक है। यानी कि सामने वाले को भी पता नहीं चल रहा है कि आप चेहरे पर कुछ लगाए हो, इसलिए तो जेल फॉर्म में दिया गया है ना, एकदम ट्रांसपेरेंट, मतलब पानी जैसा कोई चीज आप चेहरे पर अप्लाई कर रहे हो लेकिन रिजल्ट आपको 100% मिल रहा है, ठीक है। फिर दोस्तों ये एक्ने के साथ भी फाइट करता है, अगर एक्ने प्रोन आपका स्किन है तो भी आप यूज कर सकते हो, और अगर आप यूज करते हो तो एक्ने को भी ये साइड में रखता है। एक्ने बेसिकली क्या होता है, कभी अगर कोई इम्प्यूरिटी वगैरह आपके शरीर में इंटरनली ज्यादा इम्प्यूरिटीज बढ़ने लगे आपके खून में या फिर आपके शरीर में, या फिर कोई इम्प्यूरिटी एब्जॉर्ब होने लगे आपके स्किन में, तभी जाके ये एक्ने वगैरह चीजें बनते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा इतना है कि ये आपके चेहरे के ऊपर एक गार्ड की तरह, एक शील्ड की तरह काम करेगा, एक्ने से तो बचाएगा, और अगर एक्ने प्रोन आपका चेहरा पहले से ही है तो एक्ने से धीरे धीरे आपको छुटकारा भी दे देगा। फिर बात करते हैं दोस्तों इसमें क्या है, इसमें एंटी एजिंग इफेक्ट भी आपको मिलेगा, क्योंकि एलोवेरा खुद एक एंटी एजिंग एजेंट है। तो इसके अंदर बेटा कैरोटीन है, यहाँ पर विटामिन सी है, विटामिन ई है, जो कि आपके चेहरे को बहुत ही अच्छा लुक देंगे, एक यूथफुल लुक, आपको यूथफुलनेस, एक ताजा एक लुक आपको मिलेगा। जब तक आपको इसको यूज कर रहे हैं तब तक एक खास चीज आपके मतलब खास लुक आपको मिलेगा। मैं शब्दों में बता नहीं पा रहा हूँ कि इसको लगाने से आपको क्या क्या फायदे होते हैं। देखिए मोदी केयर में जब पहले बहुत ही कम प्रोडक्ट थे,
तब से ये प्रोडक्ट मोदी कर के साथ है और आज तक है, क्यों है? और लोगों का भरोसा इस क्रीम के ऊपर, मतलब इस फेयरनेस जेल के ऊपर बहुत ही ज्यादा है। आप भी अगर मोदी कर से बहुत ही टाइम से हैं, मोदी कर को बहुत टाइम से देखते हैं, तो आपको पता होगा कि इस प्रोडक्ट के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। इस प्रोडक्ट को बस यूज करता है कोई तो बस इसका फैन बन जाता है। अगर एक लाइन में मैं बोलूं, इसको यूज कर लिए तो आप जिंदगी भर इस प्रोडक्ट से मतलब ना नहीं बोल पाओगे इस प्रोडक्ट को। हर बारी प्रोडक्ट खत्म होने से पहले आपको ये लगेगा कि उसका मतलब सेकंड जो नेक्स्ट पैक है वो अवेलेबल हो जाना चाहिए। मतलब इतना एडिक्टिंग प्रोडक्ट है, इतना अच्छा लगता है इसको यूज करने में। फिर बताता हूँ दोस्तों, लिकोराइस नाम का एक चीज इसमें ऐड किया गया है। लिकोराइस आपके स्क्रीन के ऊपर अभी देखिए लिखा हुआ है, लिकोराइस। लिकोराइस क्या है? लिकोराइस बेसिकली एक टाइप का हर्ब है, एक टाइप का छोटा सा एक पौधा है, जिसके लीफ से या फिर जिसके रूट से लिकोराइस एक्सट्रैक्ट को निकाला जाता है, ठीक है। तो लिकोराइस क्या काम करता है दोस्तों? लिकोराइस में एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही ज्यादा होता है। मैंने तो आपको बताया कि एलोवेरा इसमें पहले से मिलाया गया है, एंटीऑक्सीडेंट इसमें बहुत ही ज्यादा है और लिकोराइस में भी एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही ज्यादा है। लिकोराइस का क्या काम होता है मैं आपको बता दूं। एक बार साइंटिस्ट लोगों ने कुछ क्या किए, ह्यूमन फेस से कुछ सेल्स उठाए, उनको एक मतलब आइसोलेटेड प्लेस में रखा गया और उसके ऊपर क्या किया गया, उसको इरिटेट किया गया सन रेज उसके ऊपर डाल करके, मतलब बहुत ही यूवी लाइट वगैरह सन रेज वगैरह डाल के उसको इरिटेट किया गया। लेकिन उसमें क्या किए थे इन लोगों ने, ह्यूमन सेल्स तो उसमें था ही, ह्यूमन फेस का या फिर स्किन का सेल तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने वहां पर रखा था लिकोराइस। तो लिकोराइस ने कुछ ऐसा किया कि जो भी सन रे या फिर यूवी रे आ रहा था उसको उसने रिफ्लेक्ट कर दिया, यानी कि जहां से आ रहा है वहीं से एक शीशा की तरह काम किया। वो क्या किया, डिफ्लेक्ट कर दिया और उस जो ह्यूमन सेल्स वहां पर थे उसको उसने पूरा 100% वहां पर प्रोटेक्शन दिया, ठीक है। तो यही काम होता है दोस्तों लिकोराइस का, कि इसमें लिकोराइस मिला गया है, यानी कि आपको सनस्क्रीन क्रीम अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। और इसमें SPF 14 सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर 14 भी इसमें मिलाया गया है और इसके ऊपर साफ साफ लिखा भी गया है, और इसमें लिकोराइस मिला गया है, यानी कि आपको एक ही क्रीम के अंदर सारे चीज मिल रहे हैं। आपको मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी ये देगा, आपको एक्ने से भी बचाएगा, आपको ग्लो भी देगा, आपके चेहरे को एक हाइड्रेटिंग इफेक्ट भी देगा, आपको सनबर्न से बचाएगा, सनस्क्रीन जैसा भी ये काम करेगा। और क्या क्या मतलब इसमें खूबियां मैं बताऊं बोलिए, और क्या चाहिए एक क्रीम में या फिर एक जो भी सोल्यूशन आप लगाते हैं एक ब्यूटी सोल्यूशन में। ऐसे ही दोस्तों और एक काम यह करता है, हमारे चेहरे के अंदर एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम लेयर होता है। कहीं पे भी आप देखो एपिथेलियम टिश्यू या एपिथेलियम लेयर क्या होता है उसके बारे में आप थोड़ा सा इंटरनेट पर सर्च कर लो। एपिथेलियम लेयर वो लेयर होता है दोस्तों जो कि बहुत ही थिन होता है, लेकिन ठीक आपके स्किन के नीचे होता है। और कोई भी चीज आपके शरीर के अंदर एब्जॉर्ब तब हो पाता है जबकि वो एपिथेलियम लेयर को मतलब भेद के अंदर चला जाए, एपिथेलियम लेयर को वो पेनिट्रेट कर जाए, तभी वो शरीर के अंदर जाता है। तो इसके अंदर इतना पावर है कि ये एपिथेलियम लेयर में काम करता है और उसके नीचे भी काम करता है। और वहीं पे एक तत्व होता है जो कि इंसानी शरीर में पाया जाता है, जिसको बोला जाता है कि मेलानिन। तो मेलानिन कणिका जो होती है वो अगर आपके चेहरे पर ज्यादा मौजूद है तो आपका रंग सांवला या काला हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो मेलानिन को आपके शरीर में या फिर जिस एरिया में आप अप्लाई कर रहे हैं वहां पर मेलानिन को ना ही ये बनने देगा ना ही ये टिकने देगा, और मेलानिन जितना है उतना ही उसको मतलब उसको बढ़ने नहीं देता है, और मेलानिन को अपने आप से और बनने नहीं देता है चेहरे में। तो आपको ये एक फेयर इफेक्ट भी देगा, और आप चाहो तो अगर इसको रेगुलर यूज करते हो तो आपको अपने शेड में भी, कलर में भी, चेहरे के ब्राइटनेस में भी आपको बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस नजर आएंगे। तो ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत ही पुराना प्रोडक्ट है, बहुत सालों से यूज भी कर रहे हैं प्रोडक्ट को। और दोस्तों आपको एक चीज मैं और भी बता दूं कि आप इसको यूज कब करेंगे। दिन में आपको दो टाइम इसको यूज करना है दोस्तों, कोई भी टाइम आपको इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप यूज करेंगे प्रॉपरली आपको फेस को वॉश कर लेना है खाली पानी से, या फिर अगर कोई फेस वॉश आपके पास है तो फेस को क्लीन कर लीजिए तब और इसको अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के 15 मिनट तक बाहर मत निकलिए, डायरेक्ट सनलाइट में मत जाइए। जैसे ही ये थोड़ा आपका चेहरा ड्राई हो जाता है, ये एब्जॉर्ब हो जाता है आपके स्किन में, फिर आप बाहर जा सकते हैं और ये आपको अच्छे से अच्छा प्रोटेक्शन देगा। तो दोस्तों बस आपको यही बताना था इसकी, इसको यूज कैसे करना। Hopefully you won't get paid.
don't matter, win or lose, it's how you play the game. You can work hard, we don't really care. We are not the fools, it's us that make the rules. We're CMA.